लेकिन सर इस बीच में जो आधा घंटा एक ऐसी खबर आई है जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे मतभेद हो सकते हैं मायावती जी से पॉलिटिकली, लेकिन महिलाओं के बारे में और दलित महिलाओं के बारे में इस तरह के शब्द कोई पार्टी, राजनीतिक दल और पदाधिकारी करे, वो भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग पार्टी के उपाध्यक्ष स्टेट के, उनका एक स्टेटमेंट आया है। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज प्लीज सर। एक ऐसा आपत्तिजनक स्टेटमेंट आया है कि उसे मैं उसके शब्द नहीं, उनके करेक्टर पर अगर कोई किसी पार्टी का हो, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अपोजिशन का हो, लेकिन एक महिला पर उसके करेक्टर के बारे में स्टेटमेंट दे, और एक एमपी भी है और दलित भी है, इसको कभी चीफ मिनिस्टर ही है तीन तीन चार चार बार, उसके खिलाफ अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए तो वो उस इंसान की पार्टी की मानसिकता बताता है कि मानसिकता कहां जा गई कि अब उनके लीडरों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये बहुत ही आपत्तिजनक स्टेटमेंट है। माननीय लीडर ऑफ द हाउस है यहां, मैं इनसे चाहूंगा कि ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को, मैं उसमें यह नहीं कहता हूं कि बीजेपी का उसमें कसूर है, लेकिन ऐसी इंसान की मानसिकता रखने वाली को मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी पे किसी पद में कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। यह मेरी निवेदन। एनी वुमन लीडर और एनी वुमन इज अनएक्सेप्टेबल, एंड स्पेशली फ्रॉम अ पार्टी विच सेज दैट इट यू नो इट टॉक सो मच अबाउट वुमेन and how this country, this nation worships and it respects its women. But it's very shameful that a leader of a party, of a national party, who's been the chief minister, who's a MP today, she has been commented like this upon. Where is the dignity of, if it is done to her, then we can imagine how the women of this country are being treated. I think this is deplorable, and some action has to be taken against this person. Legal action, and as somebody here commented, definitely this house has to pass a resolution against this, and we cannot accept this. Official, any woman who comes into public life has to face this. I am only asking, has to be condemned. Is it a confirmed thing? This has been a weapon against women. Every woman who is in public life, this is used as a weapon against her to make derogatory comments, personal comments about women, and this has to be stopped, and we have to stand together to stop this. No, if it happened, if it's leader of the house. No, if it happened, it has to be dealt with seriously. Yes, if it happened.